अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपके अपने चैनल देसी घरेलू नुस्खा में हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। मेरी तमाम नए व्यूवर से गुजारिश है, जो पहली मरतबा हमारी वीडियो को देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना हरगिज़ ना भूलें, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। दोस्तों, आज का हमारा ये जो नुस्खा है, रॉड की लंबाई, मोटाई, सख्ती के लिए है। ऐसे तमाम तरफरा जिनके रॉड मुश्तजनी की वजह से या कसरत जमा की वजह से अंदर की तरफ धुस चुके हैं, रॉड के पट्ठे नरम पड़ गए हैं, रॉड में ताकत नहीं रही, रगें बिल्कुल बेजान हो गई हैं, ढीली हो गई हैं, रगों में खून की गर्दिश सही तरह से नहीं होती, एक तरफ की झुक गया है या दरमियान से पतला हो गया, तो ऐसे तमाम तरफ रात के लिए नुस्खा बहुत ज़बरदस्त है। इस नुस्खे में 6 चीज़ों के अलावा 3 तेल का हम इसमें इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हमने जो चीज़ इस्तेमाल करनी है वो है अक्कर कढ़ा। अक्कर कढ़ा का हमने इसमें इस्तेमाल करना है 1 तोला। उसके बाद हमारे पास कुस्तशीरी है, इसका हमने इसमें इस्तेमाल करना है 1 तोला। जड़ सुंबल है हमारे पास, जड़ सुंबल का हमने इसमें इस्तेमाल करना है 1 तोला। पिपली है हमारे पास, मग्घा भी जिसे कहते हैं, इसका हमने इसमें इस्तेमाल करना है 1 तोला। उसके बाद हमारे पास पान जड़ है, पान जड़ का हमने इसमें इस्तेमाल करना है 2 तोला। और जायफल है, मगज़ जायफल का हम इसमें इस्तेमाल करेंगे 1 तोला। हमने करना ये है कि इन तमाम चीज़ों को हमने अलग अलग खूब अच्छी तरह से कूट के, खरल करके, बिल्कुल बारीक मिसले मैदा इनका पाउडर बनाना है और अलहदा अलहदा रखते रहना है, ठीक है। इस नुस्खे पे आपकी मेहनत अच्छी खासी होने वाली है, क्योंकि कुस्तशीरी, जड़ सुंबल और पान जड़ को पीसना जो है वो खासा मुश्किल काम है, ठीक है। इस पे खासी मेहनत होती है, ठीक है। जब ये तमाम चीज़ें अलग अलग पीस जाएंगी, तब हमें चाहिए होगा रोगन कुंजद। रोगन कुंजद हमें चाहिए होगा 30 ml। 30 ml हमें रोगन जैतून चाहिए, और रोगन माही, कॉड लीवर ऑयल जिसे कहते हैं, वो हमें चाहिए होगा 30 ग्राम। जब ये तमाम चीज़ें बिल्कुल अच्छी तरह से पीस के पाउडर बन जाएं, तब आपने इसमें रोगन कुंज जो है वो 30 ml डाल के इसको 1 दिन धूप में रख देना है, ठीक है। धूप में रखने के बाद आप इसे उठाएं, ठीक है, और एक कढ़ाई में डालें। कढ़ाई में डालने के बाद आप 30 ग्राम रोगन जैतून और 30 ग्राम रोगन माही जो हमारे पास होगा वो इसमें डाल के इसको चूल्हे की आंच पर रख के आपने इसे कम अज़ कम भी 2 घंटे तक हल्की आँच पर पकाना है, और साथ में मुतवातिर हिलाते रहना है। ये आपका तेल 2 घंटे की पकाई के बाद मुकम्मल तैयार हो जाएगा। रोज़ाना रात को सोते वक्त इसका इस्तेमाल करें, बहुत ही आला, बहुत ही ज़बरदस्त उसका है। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। मुझे अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दें, अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।